हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज एकदम सुबह सुबह मैं उठी हूँ 10 बजे। ये मेरे लिए सुबह ही होती है, वरना मेरी नींद थोड़ी देर में खुलती है। 10 बजे नहीं उठी हूँ, खैर मैं उठी तो थोड़ी देर पहले थी। थोड़ी देर मैंने अपनी दुआ प्रार्थना करी, फिर मैं अपना अलग से तुम लोगों के पास आई। मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं ये यार कुकी पता नहीं क्या आज मैंने सोचा कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। और क्योंकि मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी में लगाया था और पूछा था कि क्या करूँ, तो तुम लोगों ने मोस्ट लोगों ने कहा था डेली व्लॉग बनाओ। तो मैंने इधर हूँ, मैं आप लोगों के सामने अपना डेली व्लॉग कर रही हूँ एकदम एक्साइटमेंट में, क्योंकि हेलो बोल देते रहते मैं उधर नहीं आऊँगी, क्योंकि इतना एक्टिंग करते ना ये। पता है अगर तुम रियल में से देखोगे ना तुम मानोगे भी नहीं कि ये असली में ऐसी चिंगड़ी सी है जो ख्याल है अपना के बाल नोचते इधर भी नोचो नोचना पड़ता। अरे यार खुशी का आया कब आएगी? खुशी कब आएगी? 3 बजे। क्यों इतना लंबा स्कूल? और तू क्यों इधर घर पे? तू भी जा, अगले साल से तो कोई छुट्टी नहीं है तेरी, थर्ड क्लास में चली जाएगी तब नहीं मिलेगी सैटरडे वाली छुट्टी, तब तो जाओ। कोई नहीं जीना, अब हम तो सेकंड क्लास में थे हमें तब भी सैटरडे को स्कूल जाना पड़ता था। तुम बड़े वो प्रिविलेज्ड वाले बच्चे की तुम घर पे रहोगे? गाइस मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, आज आशीष आ रहा है, मेरे नेल्स तो देखो कितने गंदे हो रहे हैं, छी। आज आशीष आने वाला है और हम शायद कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि देखो तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी घूमने क्योंकि तू आज्ञा नहीं मानती मेरी। ले जाऊंगी बच्चे को, तूने मेरे लिए सामान लेके बोल रही। आज आशीष आने वाला है और मामू भी आने वाले हैं, तो आज हम कहीं घूमने जाएंगे, तो शायद मैं उसकी भी वीडियो बना दूं। पर अगर कहीं नहीं जाने दिया मेरे घर वालों ने बाहर, तो तब भी मैं वीडियो कंटिन्यू ही रखूंगी, क्योंकि और क्या है मेरी ज़िंदगी में तुम लोगों को दिखाने के लायक। ब्रश मैंने कर लिया क्योंकि मेरा मन था ब्रश करने का। कभी कभार ऐसा बहुत बार भी हुआ है कि मेरा ब्रश करने का मन ही नहीं करता, मैं ऐसे बस भूल जाती हूँ, मतलब भूलती नहीं हूँ यार, सुस्तीपन से नहीं आती, फिर कुछ खा लेती तो फिर और नहीं करता, तो मैं ब्रश ही नहीं करती कभी कभार। गंदी क्या है इसमें, नेचुरल चीज़ है यार, कभी का कौन सी मेरे मुंह से बदबू आ रही तो चलो हाँ मानू भी ब्रश करते, पर अगर आई नहीं थी तो मैं क्यों ब्रश करूँ ना, करती हूँ यार कभी कभार बस भूल जाती हूँ। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, आजा चलो मैं बाद में बाकी रिकॉर्ड करूँगी, तेरे को मैं क्यों दिखाऊँ मेरे कमेंट्स। अब क्या बोलते हैं, थोड़ी देर मैं अपना मूवी देखूंगी क्योंकि मेरा बहुत मन है एक मूवी देखने का। मुझे मुश्किल से एक फेक ऐसे बोलना चाहिए कि हमें फेक वेबसाइट मिली जिसमें हम मूवी देख सकते हैं। मेरा वाला मत खा मेरा 20 वाला है, तेरा 10 वाला है, छोटे छोटे खाएंगे और बड़े बड़े वाले खाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। मैं भी चोरी कर सकती हूँ, संभाल के इधर इधर फिर से बोल नहीं करेगी चोरी, करेगी चोरी, सॉरी बोल निकल इधर से। मैं बोल रही कि हम अब मैं अपना मूवी देखने वाली हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन था यार वो वाली मूवी देखने का, लैला मजनू है उस मूवी का नाम, तो मैं वो मूवी देखने जा रही हूँ। ये लोग हमेशा बाहर ही रहते हैं कि 24 घंटे, रात को भी बाहर ही रहता है अभी भी बाहर ही रहता है, पता नहीं पागल वागल। आज छेड़ो अंदर, इसको अंदर कर दे कुकी, उस साइड कर दे, आज जाने में गाइस मैं शैडो से ऐसे प्यार नहीं करती, पर तुम लोगों के सामने थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हेलो बोल दे शैडो, ओए लड़के कितना गर्म हो रहा, तू क्या हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ, जा पानी पी ले जाके जा, आए बाल सारे इधर करेगा, आ जा छोड़ो। गाइस पहले मैं अपने नेल्स करी क्योंकि मुझे देख के बहुत घीन सी आ रही है, तो मैं पहले नेल्स करूंगी फिर चक्की मूवी देखूंगी। गाइस माय नेल इज ऑल डन, मैंने ये लगाया है ऐसे, कॉपी ठीक लग रहा, पापा आ रहे क्या देख एक बार, चली गई, अब मैं आराम से करूँ। मैं बोल मैंने ये वाला नेल्स लगाया और अच्छा लग रहा है यार मुझे तो देखने में, वैसे ठीक है ठीक लग रहा। एंड नाउ वी आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, गेट आउट फ्रॉम माई साइट यार, क्योंकि क्या है क्यों सामने बीच में आ रही है, इतनी अटेंशन चाहिए। चलो कैसे करते क्या बोलते से पता है क्या, ASMR नाखून यू यू मारना।
वो तो इसलिए सीखता जिमी मैं हाँ कमीने बोला आपने तूने भी तो बोला अभी तेरी मम्मी को दिखाऊंगी अच्छा मेरी मम्मा ना सुन लेगी मैंने कुछ बोला भी नहीं मैंने बस बोला हाँ भाई रैपर जैसे ये कुकी घर पे आते ना वैसे ही लाइट जाना शुरू हो जाती है अब आधे घंटे के लिए वेट करो गाइस मेरे हाथ कैसे स्किन निकल रही यू आर लाइंग इसने एक भी बार अभी मुझे तमीज से बात नहीं करी और गाली भी अलग से दी अभी चाची को दिखाऊंगी मम्मा अपना यूट्यूब पे देखना और ना ऐसे जो इसका थंबनेल होगा ना उसी में रखोगे कुकी ने दी गाली क्या रहा तेरा मुंह मूछे आ रही तेरी नहीं मूछे तो मेरी आ रही है चल हटना इधर से चिपक ना मुझसे आप उसमें लिखना कि टेडी बियर को वो तेरा फोन उधर के साइड रखा हूँ गाइज क्योंकि इज मेकिंग माय हेयर स्टाइल मेरे घर में लाइट इतनी जा रही है कि मेरा लैपटॉप वाईफाई के उससे चल ही नहीं रहा अब बंद ही कर दिया मैंने अब ऐसे लैपटॉप आ गया कहीं नहीं है मेरे पास कोई लैपटॉप मैं बोल रही क्या बोलते हैं कि खींच दे तू मेरे बाल तोड़ दे अंदर से कंघी ला के झाड़ देना मेरे बाल एक तो कर्ली बाल में ये दिक्कत है जितने भी झाड़ लो अगले सब में एकदम यूं गंदे से हो जाएंगे सड़े से ऐसी लेटी रहूँगी इसको बोलूँगी ऐसी बना बनाना है तो बन गए या अभी भी बन रहे खाना भी बनाना है मुझे अभी बनाना देख वाईफाई अभी तक ठीक ही नहीं हुआ चल ही नहीं रहा वो नहीं मतलब ऐसे करूँ तो गिर जाएगा क्योंकि तूने मेरे बालों के साथ क्या झाड़ बनाया ये देखो कुकी ने मेरे बालों का क्या किया है और अब मैं खाना बना लेती हूँ यार क्योंकि मम्मी लोग आते ही होंगे इतनी डांट सुनूंगी ना तो मैं खाना नहीं बनाया होगा तो मैं दाल चढ़ाती हूँ सबसे पहले मैं तो सुंदर बनाया है गिर जाए काम कर तू उधर पे पलट जा खाना बनाना आता है अगर आप नहीं हो तो गैस तो अगर केरी दीदी मतलब इतना आपको मानती है अच्छा तो 200 की लाइक्स कर दो फिर हॉन्टेड चैनल बनाएगी हॉन्टेड चैनल ही बना दूं नहीं हॉन्टेड रीडर हॉन्टेड चैनल बना देती हूँ बस 200 की लाइक्स कितने कम होते हैं ना 200 के अरे यार ये तो ये बंद हो रहा है मेरा दिमाग खराब हो जाए चलो पापा पापा ड्यूटी अभी तो घर छुट्टी है मामू आ गए और आशीष भी आ गए आशीष कांग्रेचुलेशन काजू कतली लेके आया तेरे को मैं तोड़ूंगी अच्छे तरीके से पापा से कुछ भी नहीं लेगा अरे मैं काजू उसके कुकी जितना अच्छा बनते हैं ना ऐसे मेरे बालों के साथ देखो क्या किया कुकी तूने क्या कर दिया मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने क्या हुआ गाइस अब देखिए केरी दीदी क्या कर रही है केरी दीदी क्या कर रही है सीरीज ऑफ एस 40 सी लग रही तो आप बैठ सकते हो पॉटी से तो तभी तो ऐसी लूंगी मैं तो मेरे घर में तुम लोग ना ही देखो तो अच्छा बाप रे बाप इट्स गोइंग टू चावल पापा के पापा चावल का ये भरेंगे चल बंद कर वीडियो बाय बाय हेलो मैं अभी अपनी इंस्टा के लिए रील शूट करी थी क्योंकि कंटेंट तो डालना होता है ना चाहे तुम कितने भी बिजी हो चाहे तुम पड़े हो बिस्तर पे इसलिए मैं इंस्टा के लिए रील बना रही थी अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ वापस से चावल चढ़ाने जा रही हूँ एक तो काम ही नहीं ख़त्म होता है इधर आशीष की बातें सुन लो कहता इसके उसमें ना जहाँ ये हॉस्टल में जा रहा एक MBBS का स्टूडेंट रहेगा और एक BSC का तो कहता अब शक्ल दिखा ले कहता मेरे तो मजा आ जाएंगे कि अमीर वाले बच्चे के साथ रहूंगा अरे बोला क्या पता वो
भी स्कॉलरशिप पे आ रहा है, भीखी मांगते रह जाएगा तुझसे। खुद ही बोल दियो, वही बोला कि भाई थोड़ा कुछ खिला दे। पागल के जा रहे हम लोग एटीएम। यार मम्मी भी ना इनकी इतनी बेचैनी रहते है ना, चुल दिन के 3 बज रहे, गर्मी हो रही है इतनी, भप्पे बजे और इनको जाना है बाजार। यही करते करते हमारी आधी जिंदगी चली गई है। बैंक और तेरे काम से जा रहे, अपने भी अपने काम से जा रहे हो, ठीक है? मतलब ही मत बनो अच्छा, ठीक है? क्या तेरा काम मेरा काम, मेरी माँ नहीं हो क्या? ओए ओए शेरा, मम्मी ये कहाँ का कुत्ता है? कुछ नहीं हो रहा। अबे ओ आशीष, तूने उसे डरा दिया। ए मम्मी मत डराओ ना, इधर आ। ओए कर ले कालू, मम्मी का एटीएम एकदम ठप वाला बंद था, ताला लगा रखा था उन लोगों ने, मम्मी लेके चली गई इतनी दूर। मम्मी जान मुझके करते हो क्या आप ये सब चीजें? अब हम ऊपर कैफे जा रहे हैं, मेरे घर इतना मेरा फायदा हो गया ना, सीरियसली मेरे घर की एकदम टॉप ऊपर में इन लोगों ने कैफे बना दिया, उधर पे सब मिलता है खाने के लिए, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। अगर तुम लोग विजिट करना चाहो तो बिल्कुल आ सकते हो, एड्रेस मेरा घर, फिर तुम मेरे घर भी आ जाओगे। चलाती से नॉटी लोग। क्या हो रहा, कह रही अपने आप को, तो आजकल मुझे कुछ हो गया भाई, मैं अपने आप से कुछ भी बातें करते देखती हूँ, अकल नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी, रद्दी पर सीधा सेकंड फ्लोर में जाएंगे नीचे दस से आग में चलोगे। देखे गए ऊपर कैफे जाते पहले। अरे यार क्या हो गया अभी, कितने अभी क्यों, अरे घूमने नहीं जा रहे? घूमने के मतलब में तब आपके बेड टांगे नहीं करी थी मम्मी? बात भी लिया सर, वीडियो में डालूंगी ना। मम्मी वीडियो में आ गए आप। तुझे किसने बुलाया है? किसने बुलाया तेरे को इधर? अच्छा वीडियो के बाद क्यों होगा? मोबाइल मत चलाओ इधर, मोबाइल मत चला। अरे मेरी है ना, दोनों की अरे मेरी है ना, Guys, we are going on a walk. Give my shadow here, okay? ऐसे मत दिखाओ तुम लोग कि तुम शैडो को घुमाते हो, जब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये देखो मेरा भोलू राम। अरे शैडो का नाम पता है, शैडो का पहला नाम क्या था आशीष? सेक्सी थोड़ी था इसका नाम, सेक्सी तो दादियाँ होती है। वो नहीं, उसका नाम पता क्या था? मोनालिसा। कौन थी मोनालिसा? आदमी था वो एक। उस दिन ना मम्मी की फोटो नहीं शादी वाले, कह रही दीदी मैंने तो बताया था इसे, उधर भी अच्छी लग रही है, इधर भी लगती है, क्योंकि तू बड़ी कॉपी चैट है एक नंबर की, जो मैं बोलती हूँ ना ये वो ही बोल रही। इसका पहले ज्यादा पता मोना। अच्छा आंटी कहीं की, क्या मोनालिसा? गाइस ये देखो मुझे क्या मिला, मेरे फेवरेट छी फेवरेट वाले नूडल्स मिल गए। और तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, इसको ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है ना, आशीष इधर जाना है, इतनी मेहनत की है ना मैंने, इधर भाई इतनी ज़्यादा मेहनत की है, फिर भी क्या ही बोलूँ मैं, तुम लोगों को इतनी मुश्किल से मिला, वो भी एक ही मिला और था भी नहीं। और पापा को तो अगर मैंने दिखा दिया, मैंने मुझे नूडल्स ले, मेरा गला घोट देखे, पर पापा के देखने से पहले ही वीडियो जब तक डालूंगी ना, तब उससे पहले ही खा के ख़त्म कर दूंगी, फिर क्या बोल लेंगे। हम लोग बिना बताए स्विमिंग करने आए हैं, अभी घर जाके हमें डांट भी सुनी है, पर कपड़े गीले नहीं होंगे तो पता तू डांट सुन रही है ना, तो अंकल हमें देख रहे हैं उससे सामने से शर्म आ रही, बंद कर। मैं देख के तुम्हें थोड़ा सा लग रहा, हम नहा के आए थे, कमेंट करके बता कभी हम अपने घर जाएंगे। मुझे लग रहा पापा तो है नहीं अभी घर पे, आशीष ऐसे नॉर्मली आकर कर, मैं तो आंखें भी ऐसी नशेड़ी वाली लाल हो गई, सबको पता चल जाएगा ना। तेरे पापा भी चल आराम से जाएंगे, अभी हम थोड़ी कुछ क्या, तू भी ना डरा रहा।
अभी सुन के गाली देने की। और पता है इससे हुआ फिर उसके आ जाओ पहले इधर इधर आ जी मारूंगा झूठ बोलने की बता दिया कनपटी बजाऊंगा तुम लोग के मामू सच्ची में तेरा फोन का था अरे इसका टिक्की में तो मैं वीडियो बना रही थी तो पता ही नहीं चला। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था हमारा कैफे खुल गया उसका पोस्टर भी है ये देखो अब हम दुकान जा रहे हैं यार मामू को झूठ बोलने में इतनी मजे भी आती है ना मजा सच्ची मत अक्सर के बोल रही क्या मामू को अभी मामू मेरी ब्लॉग देखेंगे तब मारेंगे मुझे इसी कर रहा जो तेरे डिसलाइक होते हैं उन्हीं के होते हैं वो एक भी डिसलाइक नहीं मेरी वीडियो में चल पापा की आईडी से मार दूं चाटा खाएगा गाइस अब हम लोग मैं तो कंफ्यूज हो रही थी बोलने के लिए पर अब बोलूंगी गाइस हम फाइनली जा रहे हैं पहली बार घर वालों को मना के हमने इतनी रात को बोला कि आइसक्रीम खा के आते हैं बाहर से और घूम के भी आते हैं क्योंकि आशीष और मेरे लास्ट है यार ऐसे फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे और मेरे बाल कैसे सो रहे अभी पता हमने इतनी तगड़ी डांट सुनी ना मजाक सट के इतनी ज़्यादा तगड़ी डांट तो शर्म ही आ गई थी मामू के सामने ना ऐसे हो गया था यही बोल तू मामू को तू फोन काट दे मेरे फोन को काटते ही नहीं था यार सच में नहीं काटता नहीं आईफोन में तूने अगर गलती से पावर बटन दबाओ ना हां वो तो मुझे पता है पर कहां दबाया था पावर बटन पानी के नीचे उतरे कभी बटन नहीं तो है नीचे आ गए अबे वीडियो बन रही मेरे को एनीवेज अब हम जा रहे हैं चलो आ जाओ जल्दी मेरी फैमिली आइसक्रीम खाऊंगी ना इतनी महंगी वाली आके आके हमने पूरा सोच रखा है हॉन्टेड सी मूवी देखें हॉन्टेड देखें आशीषा कोई और से देखें 10 बजे से पहले वापस आना क्यों मेरे को भूमि यार तू कितना क्रिंज हो गया है भाई यार ये कह रही है तो हफ्ते में एक दिन मिलता है उससे बात करने का ठीक है कर ले भाई रो थोड़ा सा वाला आइसक्रीम खाने जाएंगे हम अरे कह रही मेरे को तो वो हो गया अरे क्या मेरे पापा और मेरे पापा यहाँ भी घूमने चले गए घूमने दे टॉयलेट ही है सामने वो भी ऐसे सोच के थी उस दिन ज़्यादा मत ऐसा सुसु निकल जाएगी तो मेरी पे निकल जाते कभी कभार हंसते हंसते सुसु कभी कभार होता है जो बहुत ही सुसु पे आएगा हंसी की जब पहले दिन पे वो आता था एक क्या बोलता उसे गोल गोल से होते थे बाइट्स करके कुछ नाम था यार हनी लूप्स इतने टेस्टी होते थे ना वो सच्ची में अब कहीं नहीं मिलते दिख रहा वो कितनी खाते कितनी भी खाते मामू मस्त खा रहे यार आशीष ला दे ये तो बहुत अच्छा है मैं जिंदगी में किसी को ना दूंगी चाहे मैं कितना भी प्यार करूं मैं भी डाटा मेरी बंदे की कोई एडिट शेयर करे बोले इतना गरीब है वो बेचारा सिगरेट भी नहीं खरीद पा रहा बीड़ी पी के फूंक रहा इतना सुंदर लग रहा है और मार के पुलिया के नीचे डाल कर फोन गिर जाएगा नीचे अगर गिर गया तो एक बार ट्राई करूं 50 फोन को मिलेंगे 50,000 रुपए यार देखने में भी मुझे उल्टी आ रही मत कर पता मुझे ना पानी से बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा डर पानी तो देख ही नहीं रहा लेकिन ब्लॉक है तो भाई बहुत डर लग रहा है मेरा पैर अंदर बचपन में होता था पता आशीष मुझे ऐसा कि मेरा पैर अंदर ही रह गया था ब्लॉक है तो सारे आगे वाला खुला उधर पे देखेंगे चल साफ ही नहीं है कूड़ा कचरा लोग कैसे से यार डैम के इसमें कैसे कूड़ा कचरा कर सकते हैं छी यार मेरी सुसु यूटिलाइज तो होती कम से कम ब्लॉक को नहीं निकल इधर से बाहर गंदी चीजें मत बोलना ब्लॉक में इधर तो वीडियो बनाना भी अलाउड है मेरे को पकड़ लिया ना इसलिए जेल में ना तो नहीं डाल देंगे नहीं भाई यहाँ तो बहुत लोग रील डालते हैं पर चुपके से ना ऐसे एक्टिंग करते जैसे मैं अपने आप से बातें करती इधर की लाइटें नहीं खुली हुई जब मैं इतनी मुश्किल से मैंने डर डर के कैमरा निकाला तो भाई सच्ची में क्या पता इन्होंने पानी में उठा के मुझे फेंक दिया कि मैडम आपकी इस देश को जरूरत है रोड में भी ऐसे ले गाड़ी गुड़ी ना जाए कंचना चढ़ गई गाइस इसको मुझे कोई भूत चढ़ गया भुक्कड़ पहली आ जाता है